الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا व तसलम नाजरन कराम प्रोग्राम इस्लाम के साए में आप तमाम हजरात का इस्तबाल है। आज की हमारी गुफ्तु का मौजू है अपने घरों को कब्रस्तान न ना बनाए नाजरेन कराम हर इंसान की ख्वाश होती है कि उसका घर हर तरह की परेशानियों उलझनों और मुसीबतों से महफूज रहे बाज नादान और कम इल मुसलमान ये समझते हैं कि खैर बरकत के खुद खुदसाख्त तोहरे और तख्तियाँ घर की दीवारों पर आवेजा कर सक, करने से बरकत हासिल होती है कुछ तोहम परस्त ऐसे भी हैं जो गैर शर्य उमूर अंजाम देने से भी नहीं चूकते हालांकि इस्लाम ने उन चीज़ों के तदारुक के लिए दीनी और इस्लामी जराए हमें बताए हैं आइए हम जानते हैं और कौन से ज़रा हैं जिसके जरिए से हमारे घरों में ख़ैर बरकत आ सकती है पहली चीज़ कि हम अपने घरों में नफिल नमाजों का अहतमाम करें याद रखिए इस बात को कि नमाज नफिल नमाज अपने घर में पढ़ने की हदीस में बड़ी फ़जीलत आई है ये बात भी याद रहे बहुत सारे लोग फर्ज नमाज घर में अदा करते हैं हाँ इस तरहारी हालत में आपको इजाजत हो सकती है लेकिन आम हालात में आपके पास मस्जिद है और मस्जिद में बाकायदा नमाज जमात के साथ हो रही है और आपका घर बाजू में है और आप घर में जमात कर रहे हैं घर में नमाज पढ़ रहे हैं यह सही बात नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा इकराम एक फार्मूला बनाए थे कि जो भी आदमी हम में मुनाफिक है हमारी जमात में जो मुनाफिक इंसान है उसको हम पहचानने का एक उसूल बनाए थे वो उसूल क्या है उमाय तखल फ़ांगा लामूमुलनफा जो आदमी वलकदून उमाय तखल फ़ु इल्ला लाम अलोमनफा वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि कोई आदमी जो नमाज के आने में जमात के सिलसिले में सुस्ती करता है मस्जिद को आने में सुस्ती करता है हम समझते हैं कि वो मुनाफिक है अल्लाह और पैर नबी वसलम की हदीस भी आपको याद होना चाहिए पैर नबी वसम ने बहुत लोगों को देखा कि नमाज के सिलसिले में सुस्ती कर रहे हैं प्यारे नबी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे इस मुसल्ले पे किसी और को खड़ा हूँ और मैं उनके घरों को जाऊँ जो लोग घरों में रहते हैं नमाज के लिए नहीं आते या नमाज के लिए सुस्ती से आते मैं उनके घरों को आग लगा डालूँ इसलिए नहीं करता कि उसमें उनके बीवी बच्चे हुआ करते हैं तो इस लिहाज से सदी से बात मालूम होती है कि हम फ़र्ज़ नमाज को मस्जिद में अदा करने की कोशिश करें और नफिल जितनी नमाज़ें हैं मेरी और आपकी कोशिश होनी चाहिए नफिल नमाज हमें اپنے گھروں میں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى احبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني لاعيذنه ولئن سالني لاعطينه الله, الله أكبر. کتنی بڑی فضلت ہے नफिल नमाज अगर कोई आदमी पढ़ता है अल्लाह का सबसे ज़्यादा मुकर्रब बंदा बन जाता है आब्दी बिन नबाफिल यहाँ तक कि अल्लाह उसको चाहने लगता है उसकी आँख बनता है जिससे वो देखता है उसकी उसका कान बनता है जिससे वो सुनता है उसका हाथ बनता है जिससे वो पकड़ता है उसका पैर बनता है जिससे वो चलता है यह अरबी ज़बान का एक उसलूब है यह अरबी ज़बान का एक उसलूब है इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अल्लाह तबारो व तआला नौ जबिल्ला इंसान के अंदर आ जाता है ये गलत अकीदा है अल्लाह ताला इंसान के आँख कान हाथ और पैर को ऐसी तौफीक देता है कि वो अल्लाह की इताअत तो व फरमाबरदारी में इन आजा को लगाता है और वह जब अंदा अल्लाह से जो भी सवाल करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है जब भी वो पना मांगता है अल्लाह तबारो को ताल उसे पना देता है अल्लाह कहता है मुझे कोई काम करते हुए तरद नहीं होता जब मोमिन की रूह निकालने का वक्त होता है तो मुझे तरद होता है मोमिन चाहता है कि दुनिया में रहें अल्लाह चाहता है कि वो आखिरत में आए तो याद रखिए अल्लाह तबार व ताली इस हदीस में बताते हैं कि मोमिन जब नफिल के ज़रिए से अल्लाह कहतना मकर्रब बनता है उसके दिल में आने वाले जज्बात का भी अल्लाह तबार व ताल ख़्याल करता है आपने ग़ौर किया नफिल नमाज़ें पढ़ना चाहिए बहुत सारे लोग फ़र्ज पे इतफ़ा करते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए कल क़ियामत के दिन बंदे के आमाल तो ले जाएंगे बंदे के सारे आमाल तो ले जाएंगे जब उसके फरइज़ में कुछ कोताही होगी तो अल्लाह नफिल के जरिए से पूरा करेगा आपके पास नफिल ही ना हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए न फिर नमाजें कसरत से पढ़ना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगम्बर मोहम्मद अल्लाह के लिए इतनी इबादतें करते थे अल्लाह के सामने इस कदर खड़े होते थे प्यारे नबी के पैरों में वर्म आता था पैर सूज जाया करते थे सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी इतनी इबादत करने की क्या जरूरत आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए प्यारे नबी ने कहा

यानी फजर से पहले दो रकात, जोहर से पहले चार रकात, जोहर के बाद दो रकात, मगरिब के बाद दो रकात, ईशा के बाद दो रकात अगर जमाएंगे तो आप बारह रकात होंगी अगर कोई आदमी इसका अहतमाम करेगा प्यारे नबी ने कहा बरू बन तिल जन्ना अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देता है मेरे लिए और आपके लिए मौका है हर दिन हम जन्नत में घर बना सकते हैं मैं बनाऊं घर और आप बनाएं हम अपनी इस्तात के मुताबिक घर बनाते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तौल मेरे लिए और आपके लिए घर बनाए तो अल्लाह तबारक व तौल कैसे घर देगा हमें तो इस लिहाज से नफिल नमाज का अहतमाम करना है नफिल का एहतमाम करना है साहबा कराम रजवानल्ला मजमाइन रातों को तीन हिस्से किया करते थे एक हिस्सा सोने के लिए एक हिस्सा हादिस रसूल को पढ़ने के लिए एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए लगाया करते थे तो इस लिहाज से मेरे लिए और आपके लिए ज़रूरी है नवाफिल का अहमाम करें आइए हम जानते हैं नफिल नमाज अगर वही चीज़ हमारे घर में हो जाए तो वो चीज़ हमारे लिए खैर बरकत का ज़रिया बनती है आइए हम जानते हैं हजरत साबित बिन नाफिया से मरवी है वो कहते हैं कि अन्ना किन्ना रसोल व्यूम फ़ैन तिल सही मुस्लिम की रिवायत है नबी करीम ने फ़रमाया कि लोगों अपने घरों में नमाज़ पढ़ा करो क्योंकि आदमी के लिए फ़र्ज नमाज के अलावा सबसे अफजल नमाज जो है वो घर में अदा की जाएगी वो नमाज़ अल्लाह के पास अफजल है यानी नफिल नमाज घर में पढ़ना चाहिए अब ना तार से मरवी है अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिनसला वला अलू कबूरा कहा कि अबू दाऊद की रिवायत है अपने कुछ नफिल नमाजों को घरों में पाबंदी से अदा किया करो उन्हें कब्रस्तान की तरह ना बनाया करो यानी कब्रस्तान में नमाज नहीं होती वो तो मरे हुए इंसानों की जगह होती है जिस घर में इंसान जिंदा हो लेकिन नमाज ना पढ़े जाए वो घर कब्रस्तान की तरह है घर में अल्लाह की इबादत होना चाहिए आप जानते हैं बड़ा ताजुब होगा आपको मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब एक हज़ार नमाजों के बराबर मिलने वाला है आप एक नमाज फ़र्ज नमाज पढ़ेंगे तो आपको ये हज़ार फ़र्ज नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल नमाज घर में पढ़ने को अफजल करार दिया है अल्लाह अकबर सलात वाहदिकुम फी बैती अफजल मिन सलाति फी मस्जिदी हादा इल्ला अल मक्तूबा कहा कि तुम्हारा अपने घरों में नमाज़ पढ़ना मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से भी ज़्यादा अफजल है सिवाय फ़र्ज नमाज के अल्लाह अकबर कितनी बड़ी बात है तो नफिल नमाजों को अपने घरों में पढ़ने की कोशिश करें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद वसूल तैन फरमाते हैं रसूल सल्ह वसलम से दरियाफ्त किया गया नफिल नमाजों में जो पढ़ना है नफिल नमाज जो पढ़ना है घर में पढ़ना अफजल है या मस्जिद में पढ़ना अफजल आपने फरमाया अला तरा इला बई थी मा अकरा बहु इला मस्जिद कहा कि लोगों क्या तुम देखते नहीं कि मेरा घर मस्जिद से कितना करीब है उसके बावजूद मैं नमाज घर में अदा करने को पसंद करता हूँ सिवाय फ़र्ज नमाज के यानी फ़र्ज नमाज के लिए आपको इजाज़त नहीं है इला है कि हालत हो लेकिन आपको नफिल नमाज घर में पढ़ना है फ़रज़ नमाज आपको मस्जिद जाके पढ़ना है अहदिस के मुताले से मालूम होता है अलैहि वसल्लम अक्सर नफिल नमाजें घर ही में अदा करते थे अनस बिन मालिक रदील्ला फ़रमाते हैं आयशा सदी रदी अपने घर का एक किनारा पर्दे के ज़रिए से ढक दिया था आप ने फरमायाती अपने इस पर्दे यहाँ से हटा दो क्योंकि इस नक्शो नगार मेरी निगाह में ख़ल पैदा करती हैं मेरी नज़र में आती हैं जिसकी वजह से मेरे न, न, नमाज में खलल पैदा होता है इसी तरीके से हज़रतम सलम रबी फरमाती हैं एक मरतबा रसूल अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ के बाद मेरे घर तशरीफ़ लाए और दो रक़त आपने अदा फरमाई दरिया करने पर आपने फरमाया शलत आन रकात बैठ जाहरी वही तो अबू दावत की रिवायत है जोर के बाद की दो रकात नमाज से मैं रूफ़ियत की वजह से रह गया था अब मैं उसकी कज़ा कर रहा हूँ तो इस लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाजें घर में पढ़ने की कोशिश किया करते थे नाजर ने क़राम तहजुद आप सल्ल वसल् अक्सर घर ही में पढ़ा करते थे ना फरमाती हैं रसूल सल्ल वसलम रात में तहाजद पढ़ते थे वो आपके सामने लेटी हुई रहती थी जब वितर बाकी रहती तो आप सलील वसम उन्हें भी जगह देते और वो वितर पढ़ लेती तो इस तरीके से नबी करीमल वसलम नमाज़ को तहाजद की नमाज़ भी घर में पढ़ा करते थे इसी तरह चार्स की नमाज़ भी आप सलील वसम अक्सर घर ही में अदा किया करते थे हज़रतम हानि फरमाती हैं फ़तेह मक्के के दिन रसूल सल्ह वसलम मेरे घर में तशरीफ़ लाए गिया आठ रकात नमाज अदा की तिरविजी के रिवायत है इसी तरीक़े से सुन रवा रवातीबा भी आपूमन गर्मी में अदा किया करते थे अब्दुल्ला शकीक रदी अल्लाते हैं वो कहते हैं कि मैंने आयशा सदी रदी अल्लाह तरियाफ्त किया كي اپ آه صلى الله عليه وسلم کی نفل نمازوں کا کیا حال ہے آه جواب دیا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر اربعا ثم يخرج يصلي بالناس ثم يدخل ثم يدخل فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين सही मुस्लिम की रिवायत है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में जहर से पहले चार रकात नमाज़ पढ़ते फिर घर से निकलते लोगों को नमाज ज़हर पढ़ाते नमाज से फारिग होने के बाद घर आते और दो रकात अदा करते फिर लोगों को मगरब की नमाज़ पढ़ाते नमाज से फ़ारिग होकर घर आते और रकात अदा करते फिर ईशा की नमाज़ लोगों को पढ़ाते नमाज से फ़ारिग होने के बाद घर तक दाख़िल होते और रकात पढ़ते आखिर में वो कहती हैं कि जब फ़जर फजर, फजर सादिकलु होती तो आप दो अदा करते थे तो इस तरीक़े से सुनत मा जो नबी करीम रकात जो पढ़ते थे अक्सर नब़ी करीम सलील वसम घर ही में पढ़ा करते थे मगरिब के बाद दो रकातें खसूसियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में अदा करने का हुक्म दिया है हज़रत महमूद बिन रज़ी अन्हु फरमाते एक मरतबा अलैहि वसल्लम कबीले अब्दुल अशहल के मस्जिद तशरीफ़ लाए उसमें नमाज मगरिब अदा की नमाज़ से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और रकिन फी कुम इबन खुजैमा की रिवायत है ये दो रकात अपने घरों में अदा किया करो नाजरीन नाजिराम आप जानते हैं तरबियती नुत नज़र से ये बात भी सही है कि घर के माहौल बच्चे की तरबियत में मामूली किरदार अदा करता है घर में आप जो भी करेंगे आपके मासूम बच्चे आपको अपनी निगाहों से देखते हैं घर के माहौल जितना अच्छा होगा वह औलाद उससे अच्छी बनती है उतनी अच्छी उनकी तरबियत होती है अगर घर का माहौल बिगड़ा हुआ हो घर के माहौल में लड़ाई हो जबान का गलत इस्तेमाल हो म्यूज़िक बजती हो, फिल्में अपने घरों में होती हो, सीरियल का माहौल हो वहलाद की तरबियत भी बिगड़ जाएगी व औलाद भी नाफरमान बन जाएगी आप देखते हैं आज हमारे घरों का माहौल कैसे है घरों में सीरियल चलते हैं घरों में फ़िल्म बी की आवाज़ें होती है फिल्म बी होती है घरों में अल्लाह के नबी सल वसम ने क्या फरमाया कहा कि फ़िहामती खसफुन व मसख़ुन व ख़ुन मेरी उम्मत में तीन अजाबाद का आना ज़रूरी है एक अजाब ऐसा आएगा खसफुन व मसख़ुन अल्लाह तबारो को ताला मेरी उम्मत के बाद लोगों को ज़मीन में धसा के हला करेगा मेरी उम्मत के बाद लोगों को अल्लाह तबारों को ताला पत्थरों की बारिश के ज़रिए से हला करेगा और मेरी उम्मत के बाद लोगों को अल्लाह तबारों को तारा उनके चेहरे को बिगाड़ के अलग करेगा प्यारे नबी वसल्लम के साहबा ने कहा अल्लाह के नबी कब होने वाला है नबी करीम वसल्लम ने फरमाया जब गाने बजाने की आवाज़ें आम हो जाएंगी गाने वालियाँ नाचने वालियाँ आम हो जाएँगी और कसरत से शराब पी जाएगी तो अल्लाह का अजब आएगा आप देखते हैं आए दिन ऐसे वाक़ हम सुनने को मिलते हैं आज हमारे घरों में खैर बरकत नहीं है क्यों इसकी वजह यही है कि हमने अपने घरों को कब्रस्तान बनाए रखा है घरों में नमाज़ नहीं होती कुरान मजीद की तिलावत नहीं होती अल्लाह की याद की बातें नहीं होती इसीलिए तो हमारे घरों में कितनी वाक़ ऐसे होते हैं अचानक हमारे घर से कोई अहम चीज़ चोरी हो गई या हमारे घरों में जिन्नात का बसेरा है या हमारे घरों में जादू का असर है हमारे घरों में नज़रबद के लोग शिकार होते हैं इस सब के वजूहत क्या है commented? मेरे भाई ये सब के वजूहत यही हैं कि हमारे घरों में दींदारी नहीं है कुरानी मजीद की आवाज़ें नहीं हैं मजीद की तिलावत नहीं है, है। अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता है इसीलिए हमारे घरों में ये सारे मसाइल होते हैं हमारे घरों में परेशानियाँ आती हैं हमारे घर में माल होने के बावजूद माल कैसे ख़त्म होता है हमें परेशानी माल कैसे ख़त्म होता है हमें खुद पता नहीं होता बरकतें नहीं हैं इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे घरों में हमारी नमाजें नहीं होती हमारे घरों में अल्लाह तबारों व तआला के कलाम की आवाज़ नहीं गूंजती इस लिहाज से सारी बातें होती हैं तो याद रखिए हमारे घर का माहौल जिस कदर अच्छा होगा उसी तरीक़े से हमारी औलाद की तरबियत भी अच्छी होती है याद रखिए बच्चों का जहन बड़ा तेज़ होता है वो बड़ों की हर अच्छी और बुरी आदत को जज्ब करते हैं और गैर मामूली सलाहित उनके अंदर होती है कि बहुत सारी चीज़ें बड़ों से वो हासिल करते हैं घर का घर के असरात बच्चे बच्चे पर किस तेज़ी से कबूल करता है उसका अंदाज़ा किस हदीस से आप कर सकते हैं इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं एक मरतबा मैं अपनी खाला हज़रत ममूना रज़ील्ला तहा के घर पर रात बसर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में बेदार हुए मशक्से से पानी निकाला वजू करके उसको बंद कर दिया फिर नमाज़ के लिए खड़े हो गए मैं भी उठा आप ही की तरह वजू करके नमाज़ के लिए आपके बाएं जानब खड़ा हुआ आपने मुझे अपने पीछे से बाएँ जानब किया मैंने आपके साथ नमाज अदा की छोटे बच्चे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रजील्ल्लन देखा कि प्यारे नबी ने, ने जो किया वो खुद ऐसे ही करने की कोशिश की है तो कितना असर होता है अपने बच्चों पर आप अगर घर में नमाज पढ़ते हैं आपकी आने वाली नस्लें भी आपको देखेंगे और वो भी कभी ना कभी आपकी इन आदतों को अपनाएंगे दूसरा फायदा ये होगा हमारे घरों में खैर बरकत होती है जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मस्जिद में फर्ज नमाज अदा कर लो तो कुछ सुन्नत नफिल नमाजें अपने घरों में भी अदा किया करो क्योंकि अल्लाह ताला नमाज की वजह से खैर बरकत नाज़िल फरमाता है और यह बात भी याद रखी तीसरा फायदा यह होगा अगर हम घर में नमाज पढ़ने पढ़ते हैं घर में पढ़ी जाने वाली नमाज मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज से ज़्यादा अजर सबाब वाली होती हैबिन नौमान भी से मरवी है रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया फजल रजीबई तीसरास ने फरमाया, लोगों के दरमियान पढ़ी जाने वाली नमाज के मुकाबले में घर में पढ़ी जाने वाली नफिल नमाज को वही फजीलत है जो फरज नमाज को नफिल पर हासिल है। तो इस तरीके से आप नफिल नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं उससे ज्यादा सवा आपको अपने घर में पढ़ने से आपको मिलता है इसी तरीके से घरों की हिफाजत का एक जरिया भी है हम नमाज पढ़ते हैं घरों में हिफाजत का जरिया बन जाती है नमाज

जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ उसका मुजागर करते हैं या दर्स देते हैं तो उन पर अल्लाह तबारा व तला की तरफ से सकीत नाजिल होती है और रहमत इलाही उन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते उन पर छा जाते हैं अल्लाह ताली उन लोगों का जिक्र उनके दरमियान करता है जो उसके पास होते हैं इस तरीके से इतनी बड़ी फजीलत मेरे लिए और आपके लिए हासिल होती है इसी तरीके से अबू हुरैरा रजी अल्लाह उनसे मरवी है रसोई वसल् ने फरमाया नबी करीम फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ बेशक शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूर बकरा की तिलावत होती है बहुत सारे लोग घर में परेशानी का सवाल करते हैं अचानक आवाजें आने का सवाल करते हैं, अपने घरों में जिन्नात के बसेरे की बात करते हैं, आपके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि घर में सूर्य बकरा की तिलावत हो प्यारे नबी ने कहा जिस घर में सूर्य बकरा की तिलावत होती है उस घर से शैतान भाग जाता है तो मेरे भाई आपकी कोशिश होना है कि आप खुद तिलावत करें बहुत सारे लोग आड़ियों के छोड़ देते हैं वीडियो डाल के छोड़ देते हैं इसकी फजीलत हासिल होती है या नहीं ये अलग बात है प्यारे नबी ने सदीस में ये बात फरमाई जिस घर में तिलावत होती है यानी आपको ख़ुद तिलावत करना चाहिए आप ख़ुद कुरानी मजीद की तिलावत करना सीखना चाहिए दुनिया की हज़ारों हमें आती हैं हम कितनी तकलीफ़ से वो सारे पैसा खर्च करके हासिल करते हैं बड़े अफसोस की बात है कि हम कुरान मजीद एक किताब है और पहले से किताब 1400 साल पहले से ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हमारे हाथों में है ये किताब अगर हम पढ़ने ना आए हमें तो हमारे लिए बहुत बड़ी अफसोस की बात होगी हमें कुरान के लिए थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा घरों में तिलावत करनी पड़ेगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस घर में तिलावत होती है उस घर से शैतान भाग जाता है तो इस लिहाज से ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में शुर बकरा की तिलावत करनी चाहिए ऐतल कुर्सी की तिलावत भी घरों की हिफाजत का ज़रिया है मशहूर वाक़ है रसूल सल्ला वसलम ने सदके फितर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हज़रत अबू हरेरा अब्दरमन मरसदी रजील्ला के सुपुर की थी एक रात उन्होंने महसूस किया कि कोई उसमें से चुराने की कोशिश कर रहा है उन्होंने पकड़ लिया उसने बीवी बच्चों का हवाला दिया तो अबूर रजील् छोड़ दिए सुबह में नबी वसल्लम को वाकया सुनाया पहले नबी ने कहा दूसरे दिन भी वो आएगा दूसरे दिन भी वो आया अबूर रजी ने पकड़ लिया पैर नबी की खिदमत में ज़रूर लेके जाऊँगा उस आदमी ने कहा कि देखो छोड़ दो मेरे बीवी बच्चे हैं अगला महीने आऊँगा फिर तीसरे दिन भी वो आया अबू अबूर रजील ने कहा मैं तुझे ज़रूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाकर रहूँगा तो उसने कहा दानी का भैया मुझे छोड़ दो मैं तुझे चंद हूँ जिसको अपनाओगे तो तुम्हें अल्लाह तबारों को तला फ़ायदा देगा और इसके ज़रिए से तुम्हारी चीज़ों की भी हिफाज़त हो जाएगी वो आयतल कुर्सी को सिखा के चला गया अल्लाह के नबी सल्ह वसलम सुबह हुई तो हज़र अबूर रज़ील् नबी करीम वसम के सामने सारे वाक़े को सुनाया नबी करीम सल्ह वसलम ने फरमाया हाँ वो सदक़ा वह वदूब उसने ज़िंदगी में एक मरतबा सच कहा हालांकि वो झूठा है तो इस वाकई से क्या बात मालूम होती है जिस घर में जो भी चीज़ रखते हुए ऐतल कुर्सी पढ़ के रखा जाता है वो चीज़ की हिफाजत हो जाती है अल्लाह के नबीम ने फ़रमायाबिका शहता नबी करीम साहब वसम फ़रमाते हैं कि जो आदमी आतल कुकुर्सी पढ़ता अल्लाह की जानब से एक फरिश्ता उस पर मुतयन होता है यहाँ तक किरात में पड़ा है तो सुबह तक अल्लाह की जानिब से उसकी हिफाजत होती है घरों में ख़ैर व बरकत का तीसरा ज़रिया अस्कार है नबी करीम सा ने फरमाया मसरुल महरबैत लदी रब्बा नबी करीम सा ने फरमाया मसरुल वल मसरबैतिल कुरफ़ी वलबैतुल्लकुरफ़ी मसरगी वलमत वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र होता हो उस घर की मिसाल और वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र ना हो उसकी मिसाल ज़िंदे और मुर्दे की तरह है तो इस लिहाज से ये चंद मशरू झराए हैं जिन पर पाबंदी करने से घरों में ख़ैर बरकत रहती है और हर किस्म की आफतों से इन घरों हमारे घर गर पाक होते हैं इस तरीक़े से हम जो अल्लाह के नबी वसल्लम ने हमें जो चीज़ें सिखाई हैं उसको अपनाएंगे तो हमारे घरों में खैर बरकत आएगी उन चीज़ों को छोड़ देना है जो इस्लामी लिहाज से गैर गैरशर्यी तरीक़े को जो इंसान अपनाता है उसे हमें छोड़ देना चाहिए जिसमें इंसान की दिन दीन और दुनिया सब बर्बाद हो जाती है मैंने आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में अपने घरों में कैसे खैर बरकत लाया जाता है उसको मैंने आपके सामने रखा है अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह कहने वाले और सुनने वालों को परवरदिगार हम तमाम को इस्लामी तैयारात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफ़िक नसीब फरमा अल्लाह आमीन व आखिर उदावी